व्रत भारतीय परंपरा और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त करना होता है। व्रत करने से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं मिलते, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। करवा चौथ के व्रत के दौरान व्यक्ति कुछ समय तक भोजन और जल का त्याग करता है, जो शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है और पाचन तंत्र को आराम देने में मदद करता है। इसके अलावा व्रत करने से मन को संयमित करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। व्रत करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मा संयम और अनुशासन। यह व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देता है, जिससे जीवन में अनुशासन और संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी व्रत को लाभकारी माना गया है। व्रत के दौरान शरीर में कुटंस का उत्पादन होता है, जो शरीर की ऊर्जा के लिए वसा का उपयोग करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। व्रत करने के फायदे, जिसमें करवा चौथ व्रत है या कोई भी व्रत है, व्रत करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे पांच कर्म इंद्रियां होती है, पांच ज्ञानेन्द्रियां होती है, तो कर्म इंद्रियों में और ज्ञानेन्द्रियों को बहुत लाभ होता है व्रत करने से। व्रत करने से शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक संतुलन ठीक होता है। और इसी प्रकार से जो करवा चौथ का व्रत है, उसमें विशेष रूप से चांद की पूजा होती है, भगवान चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, जिससे मन को शीतलता प्रदान होती है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, मन ठीक रहता है और पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।